नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनप्लग टीवी इंडिया के एक अगले सेगमेंट में। मैं अभिषेक तिवारी हाजिर हूँ एक नई खबर लेके, जहां एक तरफ रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है, वहीं महाराष्ट्र में एक नई तरीके की पॉलिटिक्स देखी जा रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को बुधवार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 8 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। नवाब मलिक को मार्च 3 तक रिमांड में रहना होगा। नवाब मलिक को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भी ले जाया गया था। ईडी के दफ्तर से निकलने के बाद नवाब मलिक काफी खुश नजर आए थे और उन्होंने एजेंसी के दफ्तर के बाहर खड़े अपने समर्थकों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया था। वहीं गिरफ्तारी के तुरंत बाद दफ्तर के बाहर खड़े एनसीपी के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। मलिक ने ट्वीट करते हुए यह भी कहा था कि लड़ेंगे, जीतेंगे और सबको एक्सपोज करेंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि नवाब मलिक के खिलाफ की जा रही कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। वर्तमान में जिस तरह से इस प्रणाली का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका यह एक उदाहरण है। कई दिनों से नवाब मलिक सुर्खियों में बने हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक बड़े खुलासे किए थे। नवाब मलिक बेलाड स्टेट इलाके में स्थित ईडी के ऑफिस में सुबह 8 बजे पहुंचे थे, जिसके बाद धन शोधन निवारण अधिनियम PMMA के तहत उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संपत्ति के खरीदी में नवाब मलिक का नाम सबसे पहले जांच में आया था। हवाला मामले में ईडी के द्वारा जुटाए गए सबूतों में नवाब मलिक का नाम सबसे पहले सामने आया था। बता दें, नवंबर 2021 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को लेकर बड़ा खुलासा किया था। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि नवाब मलिक ने मुंबई में दाऊद के करीबियों से जमीन खरीदी थी, इनमें से एक मुंबई बम धमाकों में शामिल था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि बम धमाके में उम्र कैद की सजा काट रहे शहाब वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के साथ मलिक के व्यावसायिक संबंध भी है। ईडी ने बीते शुक्रवार को माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को महाराष्ट्र के ठाणे जेल से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान कास्कर ने नवाब मलिक का नाम भी लिया था। इससे पहले ईडी ने विशेष कोर्ट में यह कहा था कि इकबाल कास्कर अपने भाई दाऊद इब्राहिम के नाम पर कई सेलिब्रिटीज और बिल्डरों से फिरौती करता रहता था। कैबिनेट मिनिस्टर और महाराष्ट्र के बड़े एनसीपी नेता की गिरफ्तारी है तो जाहिर सी बात है कि राजनीति तो होगी ही। गिरफ्तारी नवाब मलिक की हुई है, लेकिन बात उनके उस बयान की जा रही है जो उन्होंने पिछले साल अक्टूबर के महीने में दिया था। नवाब मलिक ने पुणे में पिछले साल समीर वानखेड़े को जेल भेजने की बात की थी। एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े को चुनौती देते हुए नवाब मलिक ने कहा था कि साल भर में आपकी नौकरी जाएगी, अब आपको जेल में देखे बिना इस देश की जनता खामोश नहीं रहेगी। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में दिए गए बयान की चर्चा आज हो रही है, लेकिन यह मामला सिर्फ यही तक नहीं है। कौन दोषी है कौन नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 4 महीने में जो खलबली मची है, उसकी कड़ियां इन सब से जोड़ी जा सकती है। पिछले साल मुंबई क्रूज ड्रग केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर जमकर राजनीति भी हुई थी। गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और महाराष्ट्र की राजनीति में जो बंटवारा है, यह उसमें साफ जाहिर हो रहा था। ड्रग केस में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जमकर निशाना साधा था। जेल भेजने की बात से लेकर उनके परिवार के धर्म, शादी और निजी जीवन को लेकर भी कड़े सवाल उठाए गए थे। नवाब मलिक ने दावा किया था कि एनसीबी के जोनल निर्देशक समीर वानखेड़े को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद केंद्रीय सरकार ने विशेष रूप से एजेंसी में नियुक्त किया था। मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि एनसीबी ने राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती को झूठे मामले में फंसाया। साथ ही मलिक ने यह भी दावा किया था कि मुंबई क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान और बाकी अन्य लोगों को भी फंसाया गया था। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया, नवाब मलिक के वार तीखे होते गए। मलिक ने दावा किया था कि समीर वानखेड़े की मां के अंतिम संस्कार के दौरान उनका धर्म मुस्लिम बताया गया था।
जबकि समीर वानखेड़े ने नौकरी हासिल करने के लिए और अन्य दस्तावेजों में खुद को हिंदू बताया गया। नवाब मलिक ने दावा किया था कि समीर वानखेड़े की मां जाहिदा को मुंबई स्थित ओशीवाड़ा के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के साथ ही नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पर भी कई आरोप साधे थे। मलिक ने एक फोटो शेयर करते हुए यह सवाल उठाया था कि आखिर बीजेपी और ड्रग पेडलर का क्या कनेक्शन है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ महीने पहले ही नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाते हुए यह कहा था कि नवाब मलिक ने 1993 बम धमाकों के दो दोषियों से कुर्ला इलाके में तकरीबन 3 करोड़ जमीन को खरीदा था। नवाब मलिक ने यह जमीन कौड़ियों के दाम पर खरीदी थी। फडणवीस ने यह कहा था कि उस समय इन दोनों आरोपियों पर ताडा के तहत मुकदमा चल रहा था और ताडा के आरोपियों की जमीन सरकार अपने कब्जे में लेती है, लिहाजा सवाल यह भी उठाया गया कि नवाब मलिक ने इस जमीन को सरकारी कब्जे में जाने से बचाने के लिए इसे खरीदा था। फडणवीस ने नवाब मलिक से सवाल पूछते हुए यह कहा था कि क्या नवाब मलिक को यह नहीं पता था कि सलीम पटेल कौन है? आखिर उन्होंने मुंबई में बम धमाकों को अंजाम देने वाले आरोपियों से जमीन क्यों खरीदी? देवेंद्र फडणवीस ने इस जमीन को लेकर कई आरोप लगाए थे। ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले नवाब मलिक दूसरे मंत्री है। इससे पहले पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख नवंबर 1, 2021 को एजेंसी में गए थे और उन्हें अगले ही दिन सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के अगले दिन महाविकास अगाड़ी के नेताओं ने गुरुवार को जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा व्यक्त किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नवाब मलिक की इस्तीफे की मांग की थी। इस पूरे मामले पर हमें अपनी राय बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक बने रहिए अनप्लग टीवी इंडिया के साथ।